Conan. Ruchika. हाँ रुचिका, मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे जीवन का यही मकसद था। हाँ, मैं नागराज तो बन गया, पर मुझे आगे क्या करना है ये नहीं पता। तुम्हारा धन्यवाद रुचिका। अच्छा, अब सुनो अर्स, तुम्हें आगे क्या करना है? तुम रुक क्यों गए? गुरुदेव, नागमणि को जागृत करने के लिए आपको काली घाटी वाले जंगल में जाना होगा। फिर? और वहां जाके वो सुनहरा फूल लाना होगा, क्योंकि सुनहरे फूल के बगैर नागमणि को जागृत नहीं किया जा सकता। अब आप जाइए और वह सुनहरा फूल लाइए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। बस ये तो मेरे पाए हाथ का खेल है। अब आप जाइए और वह सुनहरा फूल लाइए, तब तक मैं नागमणि की पूजा की तैयारी करता हूँ। जाइए गुरुदेव, हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है। मैं भी देखता हूँ ना कि मेरी रहती है वो नागमणि को जागृत कैसे करते। चांद की रोशनियों और इस सुनहरे फूल पर अपनी चमक डालो। चला जा, नहीं तो मेरे हाथ पे मौत मारा जाएगा। मुझे नहीं पहचाना काल गुरु। हर्षनाक, तू तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? लगता है तुझे छोड़कर गलती कर दी।
और कोई नहीं, मरेगा तो तू है। और उससे पहले मुझे ये कमल का फूल ले जाना है। बेहतर तो होगा कि तुम अपनी मौत की तैयारी करो। शायद आप उम्र छत बुढ़े हो रहे हो, तभी तो तुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ये कमल का फूल तुम मेरे रहते यहाँ से कभी नहीं ले जा सकते। अच्छा, क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, बस आपको हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूंगा। वैसे आखिरी बार अपना ही चेहरा ही दिखा दो, मैं भी तो जानूं कि इस काली नकाब के पीछे कौन सा किधर छुपा बैठा है। बस बहुत हुआ, आज तो तुझे मैं अपना असली चेहरा दिखा ही देता हूं। तो देख मेरा असली चेहरा। तुम भी एक नाग हो, पर ये कैसे हो सकता है? नागराज अविनाश के अलावा मैं एक लौता नाग हूं जिसे इच्छाधारी वरदान मिला है, तो फिर तुम कैसे? हाँ, मैं भी एक नाग हूं। आज से 100 साल पहले चील वंश और नाग वंश में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। तब दो नागों ने काफी ईमानदारी से नागमणि की रक्षा चीलों की सेना से की, और वो दो नाग कोई और नहीं, अविनाश और मैं था। तब शिवजी ने हम दोनों को इच्छाधारी का वरदान दिया, पर शिव ने अविनाश को नागराज बना दिया और मुझे नहीं। इसलिए मैंने नागलोक को छोड़ काली शक्तियों से नाता जोड़ लिया, और मैं और चीन वंश का राजकुमार कनिष्क, हम दोनों ने मिलकर नागराज को आज खत्म कर दिया। एक नागराज ही था जो मुझे मार सकता था, मगर अब वो नहीं है। तू है वो पहला और आखिरी नाग जिसे मैंने अपना असली रूप दिखाया, और अब तेरा वक्त खत्म हुआ। आसानी से मर गया। गुरुदेव, आप सुनहरा फूल ले आए क्या? मुझे माफ कर दो कनिष्क, मैं वो सुनहरा फूल नहीं ला पाया। क्यों? हर्ष नाग आया था, मैंने उसे मार तो दिया, लेकिन उसके कारण वो सुनहरा कमल का फूल नहीं ला पाया। अच्छा किया उसे मार दिया, परंतु गुरुदेव सुनहरे फूल के बगैर नागमणि जागृत नहीं की जा सकती। नहीं, हमारे पास अभी भी एक और रास्ता है। कैसा रास्ता गुरुदेव? सूर्य उदय होने से पहले अगर हम किसी इंसान की बलि चढ़ा दें
तो नागमिनी वहीं के वहीं जागृत हो जाएगी और साथ में ही उसे काली शक्तियां भी मिल जाएंगी। और हाँ, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने किसी स्त्री को जंगल में देखा और इस कम समय में तुम उसी स्त्री की बलि चढ़ा दो। तो ठीक है, अब उसी स्त्री की बलि चढ़ेंगे और उसके बाद नागमणी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी और उसके बाद इस पूरी दुनिया में मेरा राज। आसानी से मर गया। तू बच गया? हाँ, मैं तो बच गया लेकिन तुम नहीं बचोगे। जानता है कि मुझे नागराज के अलावा कोई नहीं मार सकता और तू एक सिर्फ नाग है। ओहो, यही होता है जब कोई अपनी नागवंश को छोड़ कहीं और होता है। आखिर तुझे पता भी तो कैसे होगा कि नागराज अविनाश के मरने के बाद कोई है जो उनसे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ नागराज बना है और वो नागराज कोई और नहीं, मैं हूं। क्या? हाँ, मैं हूं वो नागराज, नागराज हर्ष। और हाँ, अब आपका वक्त हो गया है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाने का। नागमणी के इस जहरीली कहानी में होगा बुराई का अंत और सामने आएगा एक सबसे जहरीला चेहरा।